जिम क्विक ये दुनिया के सबसे बड़े मेमोरी और स्पीड रीडिंग एक्सपर्ट हैं। ये एक इंटरनेशनल स्पीकर और सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं और क्विक लर्निंग के नाम के एक कंपनी के सीईओ भी हैं। पर जो चमक आज है वो चमक हमेशा से इनकी जिंदगी में नहीं थी। इनके जिंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो आपको ये सिखाएगी कि आप चाहे कैसे भी हालत में हो, आप जो चाहते हो, जैसी लाइफ चाहते हो, वो आप हासिल कर सकते हो। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो आपको इतनी हिम्मत देगी कि ये आपकी जिंदगी बदल देगी। आपकी जिंदगी की हालत कैसे भी हो, आप क्या क्या कर सकते हो, कितनी ऊंचाइयां छू सकते हो, ये आप जान पाओगे। आप अपनी जिंदगी की घटनाओं से इसे जरूर जोड़ पाओगे। कुछ भी हो पर एक बार पूरी वीडियो जरूर देख लो। जिम क्विक जब एक नॉर्मल स्कूल का लड़का था तब सब इन्हें द बॉय विथ ब्रोकन ब्रेन के नाम से बुलाते थे, मतलब एक बेवकूफ और एक ऐसा लड़का जो कोई काम का नहीं है। एक बार बचपन में ये क्लास के बेंच से गिर गए थे जिसके चलते उनके ब्रेन में एक गहरी चोट लग गई थी जिसके कारण इनका दिमाग ठीक से काम करना बंद कर दिया। इस हादसे के बाद वो कभी पहले जैसे नहीं रहे, सब कुछ बुरी तरह से बदल गया और लर्निंग के मामले में, मतलब पढ़ाई को समझने के मामले में, इनकी हालत और खराब हो गई और ये कोई भी चीज को समझ ही नहीं पाते थे। और इससे इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत आपको पता है कहाँ होती थी? स्कूल में, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो उसे नहीं समझ पाते थे। ये एक इंट्रोवर्ट बन गए थे और बहुत ज्यादा शाई यानी हद से ज्यादा शर्मीले बन गए थे और किसी से बात नहीं करते थे और इसके चलते इन्हें सब द बॉय विथ ब्रोकन ब्रेन बुलाते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पढ़ भी नहीं पाते थे, मतलब रीड नहीं कर पाते थे। कोई सेंटेंस पढ़ना होगा तो इन्हें सिर्फ रैंडम लेटर्स दिखते थे जिसका कोई मतलब नहीं होता था। स्कूल में ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को बेंच बाय बेंच पढ़ने कहते हैं, पर जैसे ही एक बच्चा पढ़कर बैठता और इनके पढ़ने की बारी नजदीक आते रहती इनका हार्ट बीट तेज हो जाता था और डर के मारे जब आखिर में किताब इनके हाथों में आती थी तो ये पढ़ ही नहीं पाते थे और रोने लगते थे और सारे स्टूडेंट्स इन्हें फूल यानी क्लास का सबसे बेवकूफ बच्चा, सबसे कम बुद्धि वाला बच्चा कह के बुलाते थे। जब दूसरे बच्चे ये कहते थे कि वो देखो बेवकूफ उधर बैठा है, तब उन्हें ये दिल में चुभती थी, एक खराब फीलिंग आती थी कि मैं कोई काम का नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, मैं बाकी स्टूडेंट जैसा क्यों नहीं हूँ। उसके बाद इसे ही मोटिवेशन की तरह लेकर उन्होंने अगले 3 साल सिर्फ ये सीखने में लगा दिए कि सेंटेंसेस को कैसे पढ़ें। मतलब समझो, आपको अपने जिंदगी में तो सेंटेंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो कला आपके पास पहले से ही है, पर जिस इंसान को किसी चोट के चलते वो एबिलिटी, वो कला खोनी पड़ी, वो उस बेसिक पढ़ने को सीखने में 3 साल लगा दिया। इनकी डिटर्मिनेशन को देखो दोस्त, ये रात को कॉमिक बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिए। इनका फेवरेट कॉमिक बुक एक्स मैन था, इसलिए नहीं क्योंकि वो ताकतवर हीरोज थे, पर इसलिए क्योंकि एक्स मैन सामान्य लोगों से अलग म्यूटेंट्स थे और उन्हें इसी तरह चिढ़ाया जाता था जैसे इन्हें बाकी स्टूडेंट्स चिढ़ाते थे। इन्हें ये कहा जाता था कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो इनकी फेवरेट कॉमिक थी एक्स मैन जिससे ये अपनी जिंदगी को जोड़ते थे। इसी के सहारे इन एक्स मैन कॉमिक्स को पढ़ के इन्होंने रीडिंग यानी पढ़ना सीखा। ये चीज देख रहे हो, एक ऐसा लड़का जिसके दिमाग में एक चोट लगी थी और जिसकी सीखने और समझने की शक्ति कम हो गई थी, वो सिर्फ अपने पैशन यानी कॉमिक्स पढ़ने के जरिए फिर से पढ़ना सीख गया। ये इस बात को दर्शाता है कि पैशन और लगन के जरिए आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो। एक बार स्कूल में एक पेरेंट टीचर मीटिंग हो रहा था और ये अनाउंस हुआ कि हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी और अगले हफ्ते सबको एक टेस्ट देना होगा बच्चों की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स कैसी है ये टेस्ट करने के लिए। उसके बाद सब स्टूडेंट्स को एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, मतलब हर स्टूडेंट को अपना सामर्थ्य क्लास के आगे खड़े होकर सबके सामने दर्शाना होगा। अभी जिम ने पढ़ना सीखा ही था और डिसेबिलिटी यानी उस चोट के कारण उनका इस रिपोर्ट कार्ड को लेना कोई जरूरी नहीं था, पर फिर भी वो रीडिंग रिपोर्ट में यानी पढ़ने के टेस्ट में भाग लेने का सोचे। डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी वो उसमें भाग एक्चुअल में लिए। उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा कि बेटा मत लो उसमें हिस्सा, पर उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कहा कि मम्मी और पापा आई एम गोना मेक यू प्राउड, मतलब मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, आपका सर ऊंचा करने के लिए कर रहा हूँ और मैं इस रिपोर्ट कार्ड में पास होकर दिखाऊंगा, उन्हें प्रूव करके रहूंगा कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। तो उस टेस्ट में इनको जो टॉपिक मिला
वो था लियोनार्डो द विंसी। उसके बाद ये पागलों की तरह उस टॉपिक यानी लियोनार्डो द विंसी पर रिसर्च करने लगे। खाते पीते उठते बैठते ये उनके बारे में ही पढ़ते और रीडिंग प्रैक्टिस भी करते थे। रात रात भर रीडिंग करते रहते थे और इनको पूरा भरोसा था कि रीडिंग चैलेंज को ये पास जरूर करेंगे। ये उनके लिए वो मोमेंट था जब सारे दर्शक बैठे होंगे, टीचर्स बैठे होंगे और आप सेंटर में होंगे सबके, और आपको अपना बेस्ट देना है, और लोगों के नजर में यही ये तय करेगा कि आप वर्थ इट हो या नहीं, आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं। और उन टीचर्स जो इन्हें आज तक नहीं समझ पाए और वो स्टूडेंट्स जो इनका मजाक उड़ाते थे, यही वो पल था जो उन टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स को साबित करके दिखा सकता था कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। इनके लिए ये मोमेंट सिर्फ रिपोर्ट में पास ले आना ही नहीं था बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। ये एक ऐसी चीज थी जो इनकी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती थी। आखिर वो दिन आया, ये टीचर्स के सामने जाकर खड़े हुए और फिर एक टीचर ने कहा कि जिम चलो अब क्लास के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करो। ये लाइन बोलने के बाद ही उनकी दुनिया मानो चूर चूर हो गई, क्योंकि जैसे ही वो बोलना शुरू किए इन्हें पुरानी घटनाएं याद आने लगी कि कैसे स्टूडेंट्स इनका मजाक उड़ाते थे, और इनकी कॉन्फिडेंस भी कम हो गई और इनकी हार्ट बीट तेज होने लगी, और वो बहुत शाय यानी शर्मीले भी थे जिसके चलते ये सबके सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाए, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया था। एक शब्द भी वो वहाँ सबके सामने नहीं बोल पाए और इनकी रिपोर्ट में इन्हें 0 मार्क्स मिले। इनका सपना, इनका वो रिपोर्ट कार्ड जिसमें वो तब से 100 out of 100 की प्रैक्टिस में थे, जिसके लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया था, उसी रिपोर्ट में जब उन्हें 0 मिला तब वो अंदर से एकदम टूट गए। छुट्टी होने के बाद उनके बैग में जो वो रिपोर्ट पड़ी थी वो इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बोझ थी। एक टूटा हुआ सपना लेकर वो चल रहे थे। रिपोर्ट कार्ड में पास होना ही उनका सपना था, उनका सामर्थ्य था, उनका टैलेंट था, और उन्हें मिला 0। जब वो छुट्टी के बाद क्लास से बाहर निकल रहे थे तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस रिपोर्ट जिसमें उन्हें 0 मिला था उस रिपोर्ट को लिया और डस्टबिन में फेंक दिया, और उसके साथ साथ अपनी उम्मीद, अपने सपने, अपने सामर्थ्य, अपने गौरव, इनको भी डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में इनके होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी इसे जरूर रिलेट कर पाओगे, मतलब आपको एक गजब मोटिवेशन मिली कि मैं कुछ करूंगा, और जब आप उस काम में सफल नहीं होते हो तो ऐसा लगता है कि मानो ये क्या था और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों मैं इतना अनलकी हूँ, मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों है। जिम अपने आप को हमेशा यही कहते थे और दिमाग में ये बात बार बार बोलते रहते थे कि मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत लड़का हूँ। जब जिम 18 साल के हुए तभी ये अपना घर छोड़कर भाग जाना चाहते थे, लिटरली भाग जाना चाहते थे। इनको नहीं पता था कि ये अपने पेरेंट्स को छोड़कर कैसे जाएंगे और कैसे अपने आप को संभालेंगे, पर अपनी बदकिस्मती देखकर ये हर बार भागने की सोचते थे। एक बार उनके एक दोस्त ने कहा कि दोस्त तेरी लाइफ में अभी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्यों ना तुम मेरे साथ कैलिफोर्निया में चलो जहाँ मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारा मन हल्का भी होगा और जिंदगी में आगे क्या करना है ये भी तय कर लेना। तो वेकेशन के लिए वो अपने दोस्त के फैमिली के घर कैलिफोर्निया जाते हैं। वो अपने दोस्त के घर में ही गार्डन में बैठे हुए थे तभी उनके दोस्त के जो डैड थे वो इनके पास आते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसे सुनने के बाद ऐसा मानो दिल के 1000 टुकड़े हो गए थे। जिंदगी का सबसे वर्स्ट क्वेश्चन कि बेटा स्कूल कैसा चल रहा है। ये सुनने के बाद बना बनाया आंसर देने के बदले वो अपना कंट्रोल खोने लगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सुन के ही उन्हें रोना आ गया और आखिर में वो रोने भी लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी कहानी उनको बताया कि कैसे बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता था और उन्हें चीजों को समझने में दिक्कत होती थी। उन्होंने सारी बातें बताई, न कोई पहचान है और न कोई जिंदगी की मकसद। ये सुनने के बाद उनके दोस्त के डैड ने इनसे कहा कि जिम तुम ये बताओ कि तुम अभी तक स्कूल में क्या कर रहे हो, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। पर इन सब सवालों को सुनने के बाद उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि इन सवालों के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वो सिर्फ अपनी जिंदगी के उस दलदल में फंसे हुए थे। उनकी चुप्पी देखकर वो अंकल अपने पॉकेट से एक कागज निकालते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा जो भी आंसर हो सब इसमें लिख दो, और उनसे कहते हैं कि तुम और तुम्हारी सक्सेस के बीच में सिर्फ इतनी ही दूरी है।
ये देखकर वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि सक्सेस और मैं ये 7 जन्मों में भी नहीं हो सकता। फिर वो उस दूरी को उनके दिमाग के बीच लाते हैं और कहते हैं कि यही सक्सेस का राज है, तुम्हारा दिमाग। दिमाग ही वो ब्रिज है जिस पर चलकर तुम सफलता प्राप्त करोगे। अपने ब्रेन को ट्रेन करो, उसे मजबूत बनाओ, तुम ये जरूर कर पाओगे। जब वो घर रिटर्न करते हैं तब वो अपने सामने 2 किताबों के सेट्स को देखते हैं, एक वो जो स्कूल की किताबें थी और एक वो जो वो सच में पढ़ना चाहते थे। उन्होंने दूसरे को चुना और कहा कि इस बार हो जाए, मैं रीडिंग का एक्सपर्ट बन के दिखाऊंगा और अपने पेरेंट्स को गर्व से ऊंचा करके दिखाऊंगा। उसके बाद उन्होंने महीनों की रीडिंग की और अपने ब्रेन को ट्रेन किया। कुछ महीनों बाद वो बहुत अच्छे स्पीड से रीडिंग करना चालू कर दिए। एक दिन लाइब्रेरी से वो किताब पढ़ के घर वापस आ रहे थे तभी उनकी पैर अचानक सीढ़ी पर से ही फिसल गई और वो फिर से सर के बल गिर गए और दोबारा उनके ब्रेन के एक दूसरे पार्ट में एक और चोट लग गई, एक और इंजरी हो गई। जब वो हॉस्पिटल बेड में उठे तब उनकी हालत और भी वर्स्ट हो गई, उनके चीजों को समझने की दिक्कत और भी बढ़ गई, दोबारा फिर से ब्रेन इंजरी। ये इनके जिंदगी का सबसे वर्स्ट मोमेंट था। मतलब जब भी ये कुछ करने जाते थे तब कुछ ना कुछ खराब हो जाता था और आप अपनी जिंदगी से इसे रिलेट भी कर सकते हो। हॉस्पिटल बेड पर ही उन्होंने सोचा कि यार क्या वैल्यू है मेरे इस दुनिया में और ये क्या हो रहा है बार बार मेरे साथ, इतना वर्स्ट लाइफ तो कोई मेरे दुश्मन को भी न दे। पर हॉस्पिटल बेड पर ही उन्होंने ये तय कर लिया कि बस अब बहुत हुआ, मेरी जिंदगी की इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, इसलिए उन्होंने अपने आप से पूछा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पढ़ाई में कुछ समझ नहीं पाता हूँ, मैं रीड नहीं कर पाता हूँ और मेरी मेमोरी कमजोर है, मेरी ब्रेन बहुत स्लो है। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं ये सीख जाऊं कि चीजों को कैसे सीखते हैं, रीडिंग करने के बदले ये सीखूं कि रीडिंग करते कैसे हैं। अगर सीधी भाषा में कहूं तो अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता और अगर आप पागलों की तरह बिना मन के पढ़ने के बदले ये सीखो कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं तो ये शायद काम कर जाए। मतलब क्या पढ़ना है वो बाद की बात है, पहले ये सीखो कि पढ़ते कैसे हैं। उन्होंने ये रियलाइज किया कि दुनिया में बुक्स तो बहुत हैं, क्या पढ़ें इसके तो बहुत सारे रिसोर्स हैं, पर कैसे पढ़ें, कैसे इफिशिएंटली पढ़ें और याद रखें ये कोई नहीं सिखाता। आपकी जिंदगी से रिलेट करके बोलूं तो टीचर्स तो ये कहते हैं कि पढ़ो बेटा पढ़ो, पर कोई ये नहीं बताता कि कैसे पढ़ें, मतलब मन कैसे लगाएं। मतलब स्कूल आपको डेली नॉलेज का खाना तो दे देता है पर आपको ये नहीं सिखाता कि खाना पकाए कैसे, क्योंकि अगर आप ये सीख जाओगे तो आपकी पेट जिंदगी भर के लिए भर जाएगी, पर ये कोई नहीं सिखाता। तो जिम क्विक ने ये ठान लिया कि वो पहले अपने दिमाग को समझेंगे कि कैसे इंसानी दिमाग काम करता है, कैसे याददाश्त काम करती है, और दिमाग से कुछ करने के पहले अपने दिमाग को समझेंगे और अपने दिमाग के एक्सपर्ट बनेंगे। तो ये जो मोमेंट थी ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी। ये सालों तक दिमाग को समझने के बाद एक माइंड एक्सपर्ट बन गए। मतलब इन्होंने दिमाग को इतना समझा कि ये पूरी तरह से 100% रीडिंग सीख गए। सिर्फ रीडिंग ही नहीं, ये पॉजिटिव और खुश रहना भी सीख गए और दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोचेज में से एक बन गए। और जब ये सकारात्मक सोचना शुरू किए तब मानो इनकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। उनके मन में ये ख्याल आया कि इतने सालों से तो मैं बेकार अंधेरे में था, जब मैं ये सीख सकता था कि कैसे पढ़े और कैसे ये दिमाग काम करता है तो फिर मैं नेगेटिव क्यों सोचता रह गया। अगर मैं पॉजिटिव थिंकिंग के चलते अपनी जिंदगी को पॉजिटिव तरह से मोड़ सकता हूँ तो फिर मैं इतने सालों तक नेगेटिव क्यों सोचता रह गया, घर से बाहर जाना और ये सब क्या सोचता था मैं। उसके बाद वो दिमाग की स्टडी करके एक माइंड और मेमोरी ट्रेनर बन गए और आज बड़े बड़े कंपनीज के मालिक भी हैं। रिचर्ड बार्सन और एलोन मस्क जैसे लोगों को इन्होंने ट्रेन किया है, उन्हें इन्होंने ये सिखाया है कि अपने दिमाग का बेस्ट उपयोग कैसे करें, दिमाग को तेज कैसे करें, चीजों को जल्दी कैसे सीखें, चीजों को जल्दी कैसे अंडरस्टैंड करें। तो देख पा रहे हो कि जिंदगी कैसे पलटती है। एक लड़का जो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई को नहीं समझने के चलते अपने घर से भागने का सोच रहा था, आज वो खुद लोगों को सिखा रहा है कि चीजों को जल्दी कैसे सीखें। ये है आपके दिमाग की शक्ति, आप असल में कुछ भी करने के केपेबल हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दिमाग के बारे में इन्होंने ये सीखा कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और आप जैसी बिलीफ्स,
जैसी थॉट सोचते हो वो सोच उसका सॉफ्टवेयर है। और नेगेटिव सोच एक वायरस की तरह होती है जो कि कंप्यूटर को खराब कर सकती है। लोग ये कहते हैं ना कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, असल में ये कुछ नहीं होता, ये सोच एक वायरस है जो आपके कंप्यूटर यानी दिमाग को ठीक से काम नहीं करने देता। अगर आप मान लो कि आप जीनियस हो तो आप जीनियस हो, अगर आप मान लो कि आप कमजोर हो तो आप कमजोर बन जाओगे। मतलब अपने ब्रेन को सही से प्रोग्राम करना सीखो, मतलब दिमाग में सिंपली कचरा मत भरो, हमेशा सकारात्मक सोचो और अपने दिमाग पर काम करो। दिमाग को तेज करने के लिए जो जो जरूरी है वही करो, क्योंकि आप सब कुछ अपने दिमाग से ही करते हो। और नेगेटिव विचार के वायरस से तो दूर ही रहो। जिम क्विक ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली है वो है सेल्फ टॉक, कि आप अपने अंदर क्या बोलते हो, कि आप अपने अंदर क्या बात करते हो, आप अपने आप को क्या मानते हो, कितना पॉजिटिव सोचते हो। नकारात्मक सोच आपको अंदर से खोखला कर देता है। और जिम भी नकारात्मक सोच के दलदल में फंसे थे, पर जब हॉस्पिटल बेड में उन्होंने ठान लिया था, एक सकारात्मक तरीके से ठान लिया था कि नहीं, अब मैं दिमाग को समझे बिना नहीं चैन लूंगा, इस घटना के बाद ही इनकी जिंदगी पलटी। याद करो वो रिपोर्ट कार्ड वाली घटना, जब जिम को सबके सामने अपना प्रेजेंटेशन देना था, तब वो क्यों नहीं दे पाए थे, वो रीडिंग तो अच्छी खासी सीख गए थे, पर उनके अंदर जो ख्याल आ रहे थे कि कैसे वो स्टूडेंट्स इन्हें चिढ़ाते हैं, उस नेगेटिव ख्याल के चलते ही ये उस दिन प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए थे। मतलब इनकी डिसेबिलिटी दिमाग से ज्यादा इनकी सोच में थी। दिमाग की डिसेबिलिटी को तो आप सालों की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के जरिए ठीक कर सकते हो, पर अपनी सोच की डिसेबिलिटी को ठीक करना आसान नहीं है, और एक ही इंसान इसे ठीक कर सकता है, और वो है आप। इनकी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपकी अभी की सिचुएशन कैसी भी हो, आप जैसी जिंदगी चाहते हो वैसी जिंदगी पा सकते हो, अगर आप सकारात्मकता को, पॉजिटिव थिंकिंग को अपने जिंदगी में लाएं। मैं आपकी जिंदगी एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ मोड़ना चाहता हूँ, इसलिए अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और आपको मोटिवेशन मिला तो नीचे सिर्फ ये कमेंट कर दो कि आज से मैं पॉजिटिव सोचूंगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।